सो गाइस, अभी हम लोग हैं सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेस, और ये है विश्व बांग्ला गेट। तो आप लोग समझ गए होंगे हम लोग हैं कोलकाता में। तो इसी रास्ते अभी हम लोग कहीं और जा रहे हैं, यहाँ भी आएंगे। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं इको पार्क। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग अभी आए हैं इको पार्क। तो यहाँ पे टिकट लेके हम लोग अंदर आ गए हैं। अब आगे पार्क कैसा है सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए। तो एंट्री टिकट 30 रुपीज़ पर पर्सन लगा, और यहाँ पे टॉय ट्रेन है। टॉय ट्रेन में अगर आपको बैठना है तो गेट नंबर 2 से आपको टिकट लेना होगा। और यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हुए हैं, तो हम अभी डायरेक्टली पहले चलेंगे 7 वंडर्स की तरफ। यहाँ सामने में लेक है, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा लगेगा। इसमें स्टीमर है, जेट है, बोटिंग भी कर सकते हो। और गेट नंबर 1 के पास एफिल टावर है, वो भी आप इन्जॉय कर सकते हो। और वहीं पर जैपनीज़ गार्डन भी है, तो वहाँ भी चलेंगे। पहले अभी हम लोग 7 वंडर्स चलते हैं। यहाँ पर स्टीमर भी है, आप स्टीमर का भी राइड ले सकते हो। आर्टिस्ट कॉटेज है ये। पार्क बहुत बड़ा है, 480 एकर्स में फैला हुआ है पार्क, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप इमेजिन कर सकते हो। और ये 10 रुपये टिकट, आपको अगर बंगाल का विलेज देखना है तो आप यहाँ पे 10 रुपये टिकट कटाइए और अंदर जाके बंगाल के गाँव को एक्सप्लोर कर सकते हो। किस तरह से बंगाल का गाँव होता है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर किचन है, ये डोम जो है ये किचन है, आप यहाँ पर खा सकते हो। और फिर अभी हम लोग जा रहे हैं 7 वंडर्स की तरफ। और यहाँ धनवी हाथ पकड़ के बिल्कुल नहीं चलना चाह रही थी, हमेशा इसे आप अकेले भागना था, बहुत एंजॉय कर रही थी ये पार्क। और यहाँ पे रेन फॉरेस्ट का फील देने का वो बनाया गया है, तो आराम से यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे यहाँ पे आप चल सकते हो। ये इंडिया का बिगेस्ट इको पार्क है जहाँ हम लोग घूम रहे हैं। और यहाँ धनवी पक्षी के पीछे पीछे दौड़ी चली जा रही है, उसको बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और यहाँ अभी हम लोग पहुँचे हैं 7 वंडर्स से। पहुँचने से पहले आपको मास्क गार्डन मिलेगा, अलग अलग तरह के मास्क हैं आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा लगे। इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन घूम रेलवे स्टेशन जो दार्जिलिंग में, उसका रेप्लिका है यहाँ पे। और यहाँ मौसम बादल देखो कितना खूबसूरत है, और यहाँ दुर्गा माँ का आइडल है, आराम से यहाँ थोड़ी देर आप बैठ सकते। लास्ट हम लोग पहुँच गए हैं 7 वंडर्स जहाँ पे है, बहुत देर घूमते घूमते। यहाँ पे 10 रुपीज़ टिकट है अंदर 7 वंडर्स घूमने के लिए पर्पस। तो ये है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, तो पहले ये एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। इसके अंदर भी जाएंगे, अंदर देखते हैं अंदर क्या रखा है इन लोगों ने। और स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, ये सब रेप्लिका है 7 वंडर्स के, असल में तो और भी खूबसूरत होगा ये सब। चलिए अंदर चलते हैं, ये हम पिरामिड के अंदर जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ है, तो चलिए सेकेंड वंडर की तरफ चलते हैं जो कि है पेट्रा। बहुत अच्छे से सारे लोग जानते होंगे कि पेट्रा जॉर्डन में है, और ये इसकी खासियत क्या है आप पॉज करके वहाँ पे पढ़ सकते हो, लिखा हुआ था। अंदर से बाहर से सब कुछ इन्होंने हूबहू अच्छे से रेप्लिका बनाया है, पर असल वाला चीज़ तो असल में ही खूबसूरत होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ क्राइस्ट द रिमेडर जो कि ब्राज़ील में है, ये भी बहुत अच्छा लगा देखकर। फिर ये है ईस्टर आइलैंड, और ये कहाँ है ये आप कमेंट में बताओ। और ये वन एंड ओनली इंडिया के लोग जानते ही हैं, ताजमहल, दी ताजमहल। और बहुत खूबसूरत, और अभी सनसेट का टाइम हो रहा था और इतना खूबसूरत सा व्यू आ रहा है ना, आप देखो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, कितना खूबसूरत सा सनसेट व्यू आ रहा था। इन्होंने अच्छे से, बहुत अच्छे से हूबहू उतारने की कोशिश की है, तो बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत लग रहा है। नेक्स्ट वंडर की तरफ द रोमन कोलोजियम जो इटली में है। बाहर से तो हूबहू इन्होंने अच्छे से मतलब वैसा ही स्ट्रक्चर उतारा है, अंदर से चलते हैं। असल में तो मैंने नहीं देखा है, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ही देखा है, पर जिन्होंने असल में देखा है उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बहुत अच्छे से इन्होंने हूबहू हर चीज़ उतारने की कोशिश की है। और बीच में भी जो लॉयन और यहाँ पे जो लेपर्ड है, टाइगर है, वो सारा कुछ वैसे ही रखा हुआ है, लॉयन भी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मस्ट विजिट प्लेस है कोलकाता में। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे हैं हम लोग, टावर के अंदर है ग्रेट वॉल चाइना के, बीच बीच में जो टावर है उसके अंदर है। सुई, फिर सुई, ये ड्रैगन की तरह है।
शाम हो गई थी, तो शाम का व्यू कुछ इस तरह से, जब लाइटिंग होती है तब का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। फिर यहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन भी है। यहाँ पे असल में आपको बहुत सारे तरह तरह के बटरफ्लाई देखने को मिलेंगे। और ये है जापनीज़ गार्डन का व्यू। यहाँ पे टेंपल भी है, गेट नंबर 1 के पास ही है जापनीज़ गार्डन। और ये है एफिल टावर, जो रात में एफिल टावर का व्यू है, ये कुछ इस तरह से है। ये गेट नंबर 1 पे ही है, ये आपको देखने को मिलेगा। और एफिल टावर के सामने इको रिज़ॉर्ट है, अगर आपको यहाँ रुकना है तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत है। टोटल 6 गेट है, जिसमें से 4 गेट चालू हैं। गेट नंबर 1 से आपको एफिल टावर, जापनीज़ गार्डन, ये सब देखने को मिलेगा। गेट नंबर 2 से आपको लेक, बोटिंग वगैरह, स्टीमर, ये सब का व्यू अच्छा मिलेगा। और गेट नंबर 4 से आपको 7 वंडर्स देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप आ सकते हैं यहाँ पे। तो इको पार्क में 7 वंडर्स को हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, मस्ट विजिट प्लेस है। आप हम आइए कोलकाता तो ये जगह ज़रूर आ करके एक बार घूम कर ज़रूर जाइए। तो इको पार्क में स्टीमर भी है, लेक में आप बोटिंग कर सकते हैं, और 7 वंडर्स है, एक बंगाल विलेज का भी है, वो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे आके। और पूरा एक दिन में एक्सप्लोर करना नामुमकिन है किसी के लिए भी, बहुत बड़ा पार्क है ये। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग।